हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं स्टैंडर्ड 5th, 6th और 7th के लिए बेसिक ग्रामर लेकर आई हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको द वर्ब इट्स काइंड चैप्टर एक्सप्लेन किया था, उससे आगे हम मैं इस लेक्चर में करूँगी। अवर चैप्टर नेम इज द वर्ब इट्स काइंड। वर्ब क्या होती है? अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। जो वर्ब होती है वो एक डूइंग वर्ड है। तो ये जो अलग अलग वर्ब्स थी मैंने आपको बताई थी, ईट, ड्रिंक, डांस, लाफ, जंप, शाउट, लुक, रन, वॉक, स्विम, थ्रो एंड कैच। अब इसमें आपको दिए शालू टाइप्स अ लेटर ऑन द ऑन हर कंप्यूटर। शालू टाइप्स अ लेटर ऑन हर कंप्यूटर। इसमें शालू क्या है? सब्जेक्ट। और टाइप्स क्या है? वर्ब। और अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने आपको बताया था। और इसमें ये भी बताया था कि वर्ब्स, ऐसी वर्ब्स दैट हैव ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, ये जो टाइप्स है वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। तो ऐसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स। इन अ सेंटेंस अ वर्ब मे नीड एन ऑब्जेक्ट आफ्टर टू कम्प्लीट द सेंस। इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर वर्ब को अपनी सेंस कम्प्लीट करने के लिए, अपना अर्थ कम्प्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। वेन द एक्शन ऑफ द वर्ब पासिस फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, वेन द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो वर्ब का एक्शन है वो कहाँ पे पासिस? फ्रॉम द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में पास होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन किया था, अभी मैं इसे आगे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव टू ऑब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स में टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे इसमें देखो, सेंटेंस में वन, ही गेव मी मनी, तो इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं? गेव और मनी। सेकेंड, द शॉपकीपर सोल्ड वेजिटेबल्स टू अस। थर्ड, आई एम रीडिंग माई सिस्टर अ स्टोरी। आई एम रीडिंग माई सिस्टर अ स्टोरी। ही एश्योर्ड मी अ जॉब। प्लीज गिव मी सम वॉटर। ये फर्स्ट, ही गेव मी मनी। द शॉपकीपर सोल्ड वेजिटेबल्स टू अस। आई एम रीडिंग माई सिस्टर अ स्टोरी। ही assured me a job. Please give me some water. Some verbs do not have an object. कभी कभी क्या होता है, some verbs ऐसी होती हैं जिसमें हमें object नहीं होता है। For example, some verbs do not have an object. कोई object नहीं होता कुछ verbs में। I run every day. द एक्शन ऑफ द वर्ब रन, ये जो वर्ब है इसका एक्शन क्या है? क्या कर रहा है वो एक्शन? रन। डज नॉट पास ऑन टू एनी ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये किसी ऑब्जेक्ट को पास नहीं हो रहा। बट रिमेन्स विद द सब्जेक्ट आई, पर वो किसके साथ रहता है? सब्जेक्ट आई के साथ ही बाकी रहता है, सब्जेक्ट आई के साथ ही रहता है। सेकेंड, प्रिया लुक्स प्रीटी। द एक्शन ऑफ द वर्ब लुक्स डज नॉट पास टू एनी ऑब्जेक्ट, ये जो लुक्स है, ये जो वर्ब है, ये किसी ऑब्जेक्ट को पास नहीं हो रहा है। बट रिमेन्स विद द सब्जेक्ट प्रिया, पर वो सब्जेक्ट प्रिया के साथ ही बाकी रहता है, प्रिया के साथ ही रहता है। द वर्ब रन एंड लुक्स इन द अबव सेंटेंस डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट। रन्स और लुक्स, ये जो ऊपर दोनों सेंटेंस है उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सच वर्ब्स आर कॉल्ड इन ट्रांजिटिव वर्ब,
ऐसी वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इन अ सेंटेंस वेयर द वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंटेंस। इन अ सेंटेंस वेयर द वर्ब, एक सेंटेंस के अंदर जब वर्ब को डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती सेंस कंप्लीट करने के लिए, द एक्शन ऑफ द वर्ब डज नॉट पास टू एनीथिंग और एनीवन। जो वर्ब का जो एक्शन होता है वो ना तो किसी चीज को और ना किसी को पास नहीं होता, बल्कि वो किसके साथ रहता है, सब्जेक्ट के साथ, डूअर के साथ रहता है। सच वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स, ऐसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। इन अ सेंटेंस वेयर द वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस, ऐसे सेंटेंस में जब वर्ब को अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, द एक्शन ऑफ द वर्ब डज नॉट पास टू एनीथिंग और एनीवन बट रिमेन्स विद द सब्जेक्ट डूअर, सच वर्ब्स आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी वर्ब, ऐसे सेंटेंस जिनमें सेंस कंप्लीट करने के लिए वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। अभी से आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, थैंक यू।